यू ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू ब्यूटीफुल यू चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो है फेक आई लैशेज पे। सो फेक आई लैशेज वैसे तो बहुत लगाना डिफिकल्ट होता है, एंड स्पेशली फॉर मी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। मैं कभी भी ट्राई नहीं करती, सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग दीज लैशेज। सो दीज आर नॉट नॉर्मल लैशेज, ये है मैग्नेटिक आई लैशेज जो अभी बहुत ट्रेंडिंग है। तो इसमें बहुत तरह के मैग्नेटिक आती है। एक तो वो आता है जिसमें आपको दो लैशेज आते हैं, एक ऊपर एक नीचे, एंड आपको बस वो मैग्नेट की वजह से वो होल्ड हो जाते हैं। बट वो मैंने बहुत वीडियोस में देखा है एंड रिव्यूज़ में पढ़ा है कि वो अच्छे से स्टिक नहीं होते हैं। मोस्टली वो आउटर एजेस पे स्टिक हो जाते हैं, अंदर से स्टिक करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। एंड एक और बात थी कि वो इजीली अवेलेबल नहीं था, भी तो बहुत एक्सपेंसिव था, तो मुझे इतना रिस्क नहीं लेना था इनिशियली। एंड दूसरे जो लैशेस थे वो ये थे। तो इसमें मैग्नेटिक आई लाइनर आता है, और जो मेरा किट है ये उसमें तीन लैशेस आए हैं, तो एवरीडे यूज़ है, एक मीडियम है, एक हैवी लैशेस है, और उसके साथ आपको ये होल्डर आता है इसका। सो ये पूरा किट है। इसका MRP मुझे ये मुझे मिला 600 में, अराउंड 620 या कुछ, और इसका MRP है 960 कुछ। सो अच्छे डील में मुझे मिल गया, एंड ये चीपेस्ट था जो मुझे अवेलेबल हुआ, एंड ये मुझे अमेजोन से मिल गया। बाकी था मुझे यू बाय करके साइट्स पे अवेलेबल था 1200 का, 2000, 1500 का, बट देन अगेन वो इंडिया से नहीं, तो बाहर से मंगवाना पड़ता था। एंड आजकल ड्यू टू करोना आई डोंट नो कि कैसे वो पहुँचता, कब पहुँचता, और क्या उसका ड्यूटी देनी पड़ती। सो मैंने सोचा सेफ है कि मैं यही मंगा लूँ। सो ये क्रुएल्टी फ्री है एंड 100% वेगन है। तो आइए लेट्स ट्राई, एंड इंस्ट्रक्शंस पीछे ही दिया है, बहुत इजी इंस्ट्रक्शंस हैं। सो मैं अभी आपके सामने ट्राई करने वाली हूँ फर्स्ट टाइम, एंड देखते हैं कि कैसा है ये, वेदर इट इज़ इजी जैसे ये बोल रहे हैं कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अप्लाई। सो पैकेजिंग इज़ रियली क्यूट। एंड ऐसा है ये, एंड सबसे अच्छी बात है ये रीयूजेबल है। सो व्हाट आई कैन सी फ्रॉम हियर इज स्किन में कुछ मैग्नेट जैसे लग तो रहे हैं, सो वील जस्ट रिमूव वन एंड सी। तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल लैश फ्रॉम बिहाइंड, इट हैज़ गॉट समथिंग लाइक 1, 2, 3, 4, 5 मैग्नेट थिंग्स। सो मैं आपको क्लोजअप दिखाती हूँ उसका। सो ये ग्रेजुअल है, मतलब जब अंदर से है वो छोटा है, जैसे ये बाहर जाता है वो बड़ा हो जाता है। सो इट इज़ गिविंग अ नेचुरल आई लैश इफेक्ट, एंड इट इज़ नॉट एट ऑल हैवी, और बिल्कुल लाइट है, फेदर जैसा, एंड छोटे से बड़ा है। सो एंड 5 मैग्नेटिक टाइप के कुछ चीज़ भी हैं। लेट्स मेजर कि ये आएगा कि नहीं मेरे आँख में, या मुझे अगर कट करना पड़ेगा तो इसके साइड के जो दो मैग्नेट्स टाइप है वो शायद कट जाएंगे, पर लेट्स सी। ओह गॉड, दिस इज़ व्हाट दिस साइड। लग तो रहा है कि मुझे फिट हो जाएगा, या इसको काटना नहीं पड़ेगा, मेरे आइस के लिए सही है ये साइज, सो गुड, आई डोंट हैव टू कट इट। तो ये जो भी चीज़ है वो वेस्ट भी नहीं होगी। तो इसमें दिया गया है ये लाइनर, तो हमको ये लगा के अराउंड 30 seconds वेट करना है, एंड देन वी हैव टू पुट द लैशेस। सो ये है, लेट्स सी। सही है, सो दिस जैसे नॉर्मल लाइनर होता है वैसा ही है, कुछ डिफरेंट नहीं है, एंड सब कुछ सूखा वूखा भी नहीं है। मेजर टाइम जब मैं मंगवाती हूँ तो सूख गया होता है, तो दिस इज़ ओके, दिस सेट इज़ ऑल्सो ओके। सो लेट्स स्टार्ट द
तो फर्स्ट आई हैव मैंने अभी कुछ भी नहीं लगाया है, तो आई विल पुट दिस लाइनर. सो इट सेज दैट शेक वेल मैग्नेटिक आई लाइनर, ओके, एंड देन यूज फिनिशिंग पाउडर बिफोर मैग्नेटिक आई लाइनर एंड कीप स्किन ड्राई. अप्लाई आई लाइनर 2 to 3 times, मतलब ये 2 से 3 बार हमको लगाना है एंड थिक कोट्स लगाना है एंड्स पे. फिर 1 मिनट के लिए हमको ड्राई होने के लिए रुकना है एंड देन फ्रॉम इनर आई से हमको ये लैशेस स्टार्ट करने हैं लगाना. सो ईजी इंस्ट्रक्शंस, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो दिस इज फॉर दिस आई. आप समझ जाओगे जो जो एकदम आपको दिखने मिलेगा यहाँ से छोटा है एंड देन ग्रेजुअली गोज ऑन इंक्रीजिंग, मतलब वो आउटर जाएगा. सो दिस इज फॉर लेफ्ट आई. ये जो टोंग टाइप का, ये जो होल्डर मुझे टाइप का चीज मिला है, दिस इज ऑल्सो वेरी स्टर्डी एंड बहुत अच्छी क्वालिटी का लग रहा है, बिल्कुल भी चीप नहीं लग रहा. सो क्वालिटी वाइज टिल नाउ आई एम वेरी इम्प्रेस्ड. हम लाइनर लगा देंगे एंड 2 से 3 कोट हमको लगानी है लाइनर की एंड साइड्स पे थिक. सो आई स्टार्ट विद दैट. सो दिस इज़ लुकिंग लाइक अ नॉर्मल आई लाइनर, बट इसमें कुछ अलग सी ग्लू जैसी स्मेल है. तो ये ग्लू जो है वो लाइनर के साथ ही मिलाया गया है एंड दैट इज़ वाई ये चिपक जाएगा. सो नाउ वील वेट फॉर 1 मिनट इट टू ड्राई एंड उसके बाद वील स्टिक इट. सो मेरी आईज ग्लू सूख गया है, लगभग 1 मिनट हो गया है. नाउ आई एम गोइंग टू गो विद दिस एंड स्टिक. तो मैं इसके साथ देखती हूँ करके. फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट विद इनर आई. मैं हाथ से ही कर लेती, दैट इज टिक हो गया ये पूरा एंड इट इज लुकिंग नाइस. या लुकिंग नेचुरल एंड लाइट एंड ऐसे लग ही नहीं रहा इतनी मेहनत लगी. वैसे तो लैशेस लगाने में इतनी मेहनत लगती है, बट जस्ट कम क्लोजर एंड यू कैन सी ये बिल्कुल अच्छे से स्टिक हो गई है. एंड दिस इज अ गुड पार्ट कि जिनको भी लैशेस लगाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, फॉर देम इट इज ब्रिलियंट. आई कैन बिलीव दिस इज फेदर लाइक लाइट एंड इट इज गिविंग अ नेचुरल लुक. ओ गॉड, आई जस्ट कांट बिलीव कि ये 2 मिनट में कंप्लीट हो गया मेरा लैशेस का, जो नॉर्मली लोगों को इतना टाइम लगता है लैशेस लगाने में. एंड इट हैज़ बिकम सो इजी एंड इट इज़ रीयूजेबल. सो अगर आपको ओकेजन के लिए चाहिए तो दे हैव गॉट हैवी आल्सो लैशेस. दिस इज़ फॉर रेगुलर यूज विच आई हैव वोन एंड इमीडिएट यू कैन सी द डिफरेंस. सो नाउ आई विल कंप्लीट द सेकेंड आई ऑल्सो. अप्लाइंग एक लाइनर ओनली, जबकि आपको उसको लैशेस के आगे ज़्यादा लगाना है ताकि ये अच्छे से चिपक जाए. एंड देन आई एम जस्ट गोइंग स्वाइप दिस एक्स्ट्रा थिंग. ठीक है, वाइप भी हो गया इजीली. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू वेट फॉर 1 मिनट अगेन एंड देन
आई एम गोइंग टू पुट दिस ऑल्सो अदर लाइन लैश. सो ये भी अच्छी बात है कि परफेक्टली मेरे आई को फिट हो गया है. मेरी आंखें बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं हैं. सो फॉर नॉर्मल अगर आपकी साइज़ है आंखों की तो इजीली आपको ये आ जाएगा. एक्स्ट्रा काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वैसे मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ में एंड बहुत सारे जो लैशेस के मैग्नेटिक लैशेस के रिव्यू थे उसमें देखा था दे हैड टू कट, बट दिस साइज़ इज़ नाइस. लाइनर इज़ ऑल्सो नाइस एंड दे हैव गॉट 3600 में पूरा पैसा वसूल है. वरना आप खाली एक आई लैशेज लेने जाओ तो दे आर वेरी एक्सपेंसिव. अगर आप अच्छी क्वालिटी की लेने जाओ एंड दिस क्वालिटी, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है. बिल्कुल लाइट है एंड रियल लगती है. डजेंट लुक आर्टिफिशियल वेन यू पुट देम. एंड सबसे अच्छी बात, अगर आपको लैशेज लगाने में प्रॉब्लम होती है सो दिस विल डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम. आपको इसे लैशेज लगाना बहुत ही ईजी हो जाएगा. एंड मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे छोड़ दूंगी जो मैंने लिया है उसका. वैसे इसमें बहुत सारी वेराइटी अवेलेबल है, यू कैन चेकआउट, बट ये चीपेस्ट थे उसमें. सो यू कैन ट्राई दैम. क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं एंड दे आर रीजनेबल. एंड अगर आप बिगनर्स हैं एंड आपको ट्राई करना, डेफिनेटली यू कैन ट्राई दैम. सो अभी एक मिनट हो गया है एंड इसको भी मैं डाल दूंगी. आई एम नॉट यूजिंग दीज, हाथ से ही अच्छे से बैठ रहे. सो लेट्स स्टार्ट. छोटा पार्ट इन, देन ग्रेजुअली सी ये स्टिक हो गया एंड देन यू हैव टू जस्ट बेंड इट एंड स्टिक इट हियर एंड डन. एंड देन पिंच 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 पिंच. इजी इजी डन. या सो यू नाउ यू वांट, यू कैन पुट मस्कारा. यू डोंट हैव टू पुट लाइनर सेपरेटली क्योंकि ये लाइनर का भी काम करता है एंड ग्लू का भी. सो एग्जैक्टली दिस इज़ नॉट मैग्नेटिक मैग्नेटिक, इट हैज़ ग्लू. यू कैन स्मेल कि इसमें ग्लू का स्मेल है, बट इन लोगों ने स्मार्टनेस दिखाई है ग्लू एंड लाइनर को क्लब करके. सो दैट्स अ गुड आइडिया. एंड इट इज़ फेदर लाइट, बिल्कुल भी हैवी फीलिंग नहीं देगा. अगर आपको डेली में भी आप लगाओगे तो भी नहीं देगा, बट इट इज़ गिविंग दैट फुलर लुक. मतलब लग रहा है कि आईज भी ओपन हो गई एंड दिस लैशेज आर ऑल्सो वेरी प्रिटी एंड एवरी डे यूज़ के लिए दे आर लाइट ऑल्सो. इतना कोई हैवीनेस भी नहीं है. इवन दिस लाइनर इज़ वेरी लाइट, इट डजेंट फील हैवी कि हमने बहुत ग्लू या स्टिक किया है. एंड सर आपकी आईज को एकदम ओपन एंड बड़ा दिखाता है. सो अगर आपको आई लैशेज लगाने से डर लगता है एंड आपको बहुत ट्रिकी पार्ट लगता है, देन यू शुड डेफिनेटली डेफिनेटली गो फॉर दिस. I'll give it 10 out of 10. I mean, for me it is full. मैं इसको and a good part is it is reusable. So 600 is पैसा वसूल and you can see the finish look. So just that's it. So guys, अब हो गए हैं 8 घंटे. तो ऑलमोस्ट पूरा दिन मैंने इस लैशेस को रखा है. मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई, ना हैवीनेस ना डिसकम्फर्ट कोई तरह का. यूज्ड टू गए से लग ही नहीं रहा है कि मैंने कुछ लगाया, बिकॉज दे आर सो लाइट कि लग ही नहीं रहा है कि मैंने आर्टिफिशियल लैशेस लगाए हैं. एंड फर्स्ट टाइम मैंने लैशेज अपने हाथों से लगाए हैं, खुद ने लगाए हैं. वैसे तो पार्लर वाले यहाँ लगाती है, बट मैंने खुद ने अपने आप पर कभी ट्राई नहीं किया था. मैं बहुत डरी रहती थी कि अरे सही से नहीं लगेगा एंड बहुत मेसी होता है ये काम. सो स्टेइंग पावर में भी ये बहुत अच्छे, ऑलमोस्ट पूरा दिन इन्होंने स्टे किया है एंड ग्लू भी अच्छी क्वालिटी की है, दैट इज़ वाई ये रह पाए हैं. तो अभी मैं इससे निकालती हूँ. ओ माय गॉड. एंड दे आर ईजी टू रिमूव. बस हल्का से मैंने ऐसे निकाला, अपने आप सब निकल आए.
सो दे आर इंटैक्ट एंड दिस इज़ रीयूजेबल, तो आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं, इसको फेंकना नहीं है. एंड अगर इधर बात करें तो कुछ भी ग्लू व्लू आए ही नहीं है, मे बी बिकॉज दीज हैव गॉट सम मैग्नेटिक थिंग्स, मतलब ऐसा कुछ है मैग्नेट जैसा इसमें, तो दैट इज़ वाई. एंड ये वैसे के वैसे जैसे मैंने लगाए थे वैसे ही इसमें कुछ ग्लू व्लू और ये लाइनर का कुछ नहीं चिपका है. एंड यू कैन सी कि लाइनर भी वैसे का वैसा ही है. एंड वी डू फॉर दिस आई ऑल्सो, ओके सो ये भी निकल आया है. इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है आई मस्ट से, ये वैसे वैसे ही हैं एंड कुछ भी फ़र्क नहीं आया इनमें. सो अच्छे से पूरा दिन मेरे स्टे किए हैं. आई वुड गिव इट 10 out of 10. आई रियली 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 लाइक देम, रियली रिकमेंड कि आप ट्राई कर सकते हैं. एंड दिस इज़ इट गाइज, ये था आज का वीडियो. आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा तो इधर लाइक बटन, डू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टाटा टेक केयर.